हेलो एवरीवन, इस लेक्चर में हम बात करेंगे जो हमने ओम्स लॉ को ड्राइव करते टाइम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर रहा था जिसका नाम था आर। उस आर को हमने बोला था कि ये कंडक्टर की रेजिस्टेंस होगी और ये कंडक्टर की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी होगी। अगर आप कंडक्टर की फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखते हो तो ये कांस्टेंट, मतलब ये जो वैल्यू आर थी ये कांस्टेंट रहेगी, अदरवाइज ये चेंज हो जाएगी। इनडायरेक्टली मतलब यही था कि अगर हम कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन कांस्टेंट नहीं रखते तो उसकी एक प्रॉपर्टी चेंज होगी और उस प्रॉपर्टी का नाम था आर। आपको याद होगा हमने जब ओम्स लॉ ड्राइव कर रहा था वी इक्वल टू आई आर स्टेटमेंट लिखी थी तो उसमें एक कांस्टेंट आया था आर। बेटा एक बात याद रखना, अगर आपको क्वेश्चन आ जाएगी कि ये आर हर कंडीशन में कांस्टेंट रहता है तो आर चेंज हो सकता है अगर आप कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन चेंज कर दो। इसका मतलब आर कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता होगा। आज हम उन्हीं फैक्टर्स को जानेंगे कि आर किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और वो कैसे वैरी करता है उन फैक्टर्स के साथ। तो आर को चेंज करने वाले, कंडक्टर के रेजिस्टेंस को चेंज करने वाले, हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, हम उसका कॉस पढ़ चुके हैं, हम उसके यूनिट डिफाइन कर चुके हैं, हम उसको मेजर करने का एक तरीका निकाल चुके हैं। फॉर एग्जांपल आपको किसी भी रैंडम कंडक्टर का, फॉर एग्जांपल मैं आपके हाथ में कंडक्टर दूं और आपको बोल लूं इस कंडक्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट करिए, तो आपके पास एक मेथड क्या है, आप इस कंडक्टर के अक्रॉस एक नोन बैटरी जिसका पोटेंशियल आपको पता है, नोन बैटरी का मतलब जिसका पोटेंशियल आपको पता है, सपोज करो इस बैटरी का पोटेंशियल है वी, आप इस वी बैटरी को लगा के मेजर कर लीजिए इस कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है एंड इस कंडक्टर पे ओम्स लॉ लगा लीजिए वी इक्वल टू आई आर। जैसे आप वी अपॉन आई करेंगे आपके पास इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस आ गया। ये तो था एक मेथड कंडक्टर का रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का। अब हमने बोला था कि किसी कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज हो सकती है फिजिकल कंडीशंस के साथ, तो हम जानते हैं कि आज वो क्या फैक्टर्स हैं जिनसे कंडक्टर की रेजिस्टेंस चेंज होती है। तो कुल मिला के चार फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर है लेंथ, दूसरा फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, तीसरा फैक्टर है नेचर एंड चौथा फैक्टर है टेम्परेचर। इन दोनों को हम एक ही फैक्टर से फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज रो। अब लेंथ आपको पता है, लेंथ क्या होती है, फॉर एग्जांपल दिस इज द कंडक्टर, ये इस कंडक्टर की लेंथ हो जाएगी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बेटा ये वाला एरिया होता है, ये ऊपर वाला एरिया नहीं, ये वाला एरिया होता है। अगर मैं इस कंडक्टर को तोड़ू तो आपको यहां से जो दिखेगा इसको हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बोलते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस है लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, नेचर ऑफ द मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर। इन दोनों को मैंने आपको बताया हम एक ही फैक्टर से फॉर्मुला में इंट्रोड्यूस करेंगे, हम इन सभी फैक्टर से एक रेजिस्टेंस का फॉर्मुला ड्राइव करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले के साथ कि रेजिस्टेंस लेंथ पे कैसे डिपेंड करती है। इसे इमेजिन करिए आपके पास दो कंडक्टर है ए एंड बी, इन दोनों का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है एंड इन दोनों का मटेरियल भी सेम है, मतलब दोनों सेम मटेरियल के बने हुए, बट डिफरेंस क्या है, इन दोनों की लेंथ में डिफरेंस है। अब ध्यान से देखिए करंट का मतलब क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे फ्लो हो रहे। अब इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे और इस कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे। अब ध्यान से देखिए इलेक्ट्रॉन को ज्यादा किस में फ्लो होना पड़ेगा, इस कंडक्टर में कि इस कंडक्टर में, आपको दिख रहा होगा इस कंडक्टर में वो ज्यादा फ्लो होंगे, मतलब ज्यादा लेंथ में ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे। अब ज्यादा डिस्टेंस अगर वो ट्रेवल करेंगे तो रास्ते में उनको नंबर ऑफ कोलिजंस भी क्या सफर करने पड़ेंगे, ज्यादा ऑब्वियसली इसमें नंबर ऑफ कोलिजंस क्या रहेंगे कम। एंड हमें पता है कि रेजिस्टेंस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, नंबर ऑफ कोलिजंस के, तो जिसमें नंबर ऑफ कोलिजंस ज्यादा उसकी रेजिस्टेंस ज्यादा, तो दिख रहा है साफ साफ इसमें डिस्टेंस ज्यादा ट्रेवल करना है, नंबर ऑफ कोलिजंस ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा एंड इसमें रेजिस्टेंस कम। अब हम इस वेरिएशन को इस कंडक्टर के उस फैक्टर से रिलेट करते हैं जो चेंज हो रहा। अब देखो दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम था, दोनों का मटेरियल सेम था, बट दोनों की लेंथ डिफरेंट थी। आप देख सकते हो लेंथ बढ़ रही है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और लेंथ कम हो रही है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है बेटा। जब एक चीज के बढ़ने से दूसरी चीज बढ़े और एक के कम होने से दूसरी चीज कम हो तो इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशन बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है उसका लेंथ के साथ डायरेक्ट रिलेशन है और फर्स्ट पावर का रिलेशन है, मतलब अगर आप लेंथ को डबल करोगे रेजिस्टेंस डबल हो जाएगी, अगर लेंथ को हाफ करोगे तो रेजिस्टेंस भी कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर की बात करते हैं जो कि है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसके लिए इमेजिन करिए आपके पास दो कंडक्टर है, एक सी कंडक्टर और एक डी कंडक्टर, साफ साफ दिख रहा है हमने इन दोनों कंडक्टर्स की लेंथ सेम लिया। मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों का मटीरियल भी सेम, जब हमने इन दोनों की लेंथ सेम ले लिया, मटीरियल सेम ले लिया, अब हमने वैली क्या कर दिया, हमने इन दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन वैली कर दिया, इसके एरिया क्रॉस सेक्शन ज्यादा एंड इसका एरिया क्रॉस सेक्शन कम। अब सीधी सी बात है दोनों कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहे होंगे, इसमें भी जा रहा हो। अब ऑब्वियसली अगर इलेक्ट्रॉन, हम एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करते, हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इतने से गेट से पास करना है और यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स को इतने से गेट से पास करना है, तो आप सोच सकते हो किसमें धक्का मुक्की ज्यादा हो रही होगी किसमें कम। छोटे गेट से पास होने में ज्यादा धक्का मुक्की होगी एंड बड़े गेट से पास होने में कम धक्का मुक्की होगी, तो इसमें नंबर ऑफ कोलिजंस कम होंगे और इसमें नंबर ऑफ कोलिजंस ज्यादा।
इसमें भी नंबर ऑफ रीजंस कम तो रेजिस्टेंस कम, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा। अब ये तो पता लग गया हमें कि इसमें रेजिस्टेंस कम है, इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा। अब इस रेजिस्टेंस को हम उस पैरामीटर से रिलेट करें जो वेरी कर रहा है। यहां पे वेरी कर रहा था एरिया क्रॉस सेक्शन। अब यहां से देखो रेजिस्टेंस एरिया क्रॉस सेक्शन बड़ा तो रेजिस्टेंस कम हुआ, और एरिया क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो रेजिस्टेंस बढ़ा। इसका मतलब एक के बढ़ने से दूसरा कम हो रहा और एक के कम होने से दूसरा बढ़ रहा। तो यहाँ पे एरिया और रेजिस्टेंस का इनवर्स रिलेशन होगा। हम बोलेंगे रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब अगर हम इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करें तो यहाँ पे क्या आ गया, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब हम ये प्रोपोर्शनैलिटी जब हटाएंगे तो वहां पे एक इक्वल टू आएगा। एंड आपको तो ये पता है कि जब भी आप प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो एक इक्वल टू आता है और एक क्या आता है, कॉन्स्टेंट आता है। अब यहाँ पे एक नया कॉन्स्टेंट आया जिसका नाम है रो। आपको याद है मैंने आपको बताया था कि इन दोनों पैरामीटर्स को हमें कांस्टेंट से एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम होगा रो। ये वही पैरामीटर है। तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया, वो क्या था, आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। अब इसी रो में आपका नेचर ऑफ द मटेरियल वाला फैक्टर भी आ गया एंड टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर वाला फैक्टर भी आ गया। अब इन दोनों के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड।